बेटा ये सेकंड टॉपिक है कि अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉलेज से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज़ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड व्हाट इज़ ए गैल्वेनिक सेल, थोड़ा डिफरेंसेस याद है आपको? गैल्वेनिक सेल मतलब एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है विच विल कन्वर्ट व्हाट बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, राइट? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता कैसे? तो देखो बेटा इसका छोटा सा कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मैं। बेटा यहाँ पर एक मैंने बीकर ले लिया, नॉन कंडक्टिंग मीडियम वाला बीकर है, मतलब मेड अप ऑफ ए ग्लास, और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिए। लेट अस से बेटा इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड, और एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिए, लेट अस से इसका नाम है कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एनोड कैथोड होता है वो बेटा नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब ये इलेक्ट्रोड बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव चार्ज से अटैच है, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। और इसके अंदर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली, आई मीन सोल्यूशन लिया है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें करंट पास होता है। सो वी हैव टेकन हियर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरा ए बी के फॉर्म में है। अब मैं NaCl नहीं लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ, और जब ये आयनाइज होगा तो ऑब्वियसली ए प्लस एंड बी माइनस में होगा। तो यहाँ पर इसके आयन्स मैं बताऊँगा बेटा, यहाँ पर इसका आयन एक ए पॉजिटिव भी है और एक बी नेगेटिव है, ऐसे बहुत से आयन्स हैं। जब आप करंट पास करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका जो ए बी जो कि एक्वास फॉर्म में होगा बेटा वो आयनाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस जो कि ए क्यू के फॉर्म में आएगा, और दूसरा आएगा बी माइनस दैट इज एक्वास के फॉर्म में आएगा। मतलब यहाँ पर देखो आपने ये जो ए बी जो एक्वास सॉल्यूशन है इसको ब्रेक जो कराया बेटा, ये कब हुआ? बाय पासिंग करंट। तो पासिंग करंट, करंट पास करने के बाद कोई कंपाउंड या कोई सॉल्यूशन जब डिकम्पोज होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए लाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड, और ये ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड कैसे किया आपने? बाय पासिंग करंट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब है पासिंग करंट, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड इनटू टू डिफरेंट आयंस, सो द प्रोसेस कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस किए, करंट पास किए, ये जो कंपाउंड आपका ए बी था ये दो आयन में बढ़ गया, टूट गया। अब सबसे पहले हमेशा याद रखो, ये कोई बताता नहीं बेटा, मैं आपको यहाँ से ये पहली स्टेप यही सिखा रहा हूँ। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद आप रिएक्शन लिखना चाहोगे इलेक्ट्रोड के, पहली रिएक्शन एनोड की लिखो, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ पर अभी पॉजिटिव है तो आने वाला आयन नेगेटिव आएगा। अब देखो बेटा ये आपका बी माइनस इसके पास आके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आपको बी एज ए फॉर्म आ गया। अब हो सकता है वो गैस है, उड़ जाएगा, सॉलिड है, डिपॉजिट कर जाएगा, डिपेंड ऑन इट। उसके बाद रिएक्शन लिखते बेटा कैथोड की, और आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो कैथोड है वो कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, और इसमें क्या होनी है बेटा, रिडक्शन होनी है। अब ये रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस नेगेटिव पे आने वाला आयन पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव आयन ऊपर में जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब वो एक लूज कर रहा तो ये एक गेन करेगा, और एक गेन करके यहाँ पर ए मिल गया। बेटा हो सकता सॉलिड है डिपॉजिट करेगा, गैस है लिबरेट करेगा, बट वी गॉट द ए एट द कैथोड एंड बी एट द एनोड। नाउ ये प्रोसेस को मैं ऐसे बोलूँ, इट इज़ ए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इट इज़ ए रिडक्शन हाफ सेल, और दोनों को जोड़ दो बेटा। देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, बचा गया बेटा आपके पास ए प्लस विच इज़ इन एक्वास फॉर्म, कंबाइन विद बी माइनस विच इज़ इन एक्वास फॉर्म,
बेटा व्हाट इट गिव्स राइज टू ए एंड इट गिव्स राइज टू बी। देखो बेटा प्लस के बाद जीरो, यहाँ से रिडक्शन हो गया, माइनस के बाद जीरो, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब बी का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन यहीं पे है, ए का क्या हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि देखो ए प्लस से ए जीरो, रिडक्शन रिडक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड एंड दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। बेटा ये पूरी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन कितने हो रहे हैं, एक लॉस और एक गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल टू वन। अच्छा यहाँ पर होता क्या है बेटा, जैसे ही आपके पास ए पॉजिटिव है ना, वो ए पॉजिटिव कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो बेटा ए पॉजिटिव कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके अपना ए इस कैथोड के नीचे डिपॉजिट करेगा, बेटा ये डिपॉजिट होने वाले क्या है ए है, और ये बी माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, बेटा ये बी माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनोड में चले जाता है, देखो ये गया एनोड में, ये गया एनोड में, और यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा ऐसा तो कैथोड में एंटर कर रहा। अब ये एग्जाम में सवाल ये भी पूछता है आपसे, एग्जाम में सवाल ये भी पूछता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो क्या बोलो बेटा एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एंड कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सर्किट, याद रहेगा। और एक बार बता रहा हूँ बेटा, ये आपको नीट में सवाल पूछता है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रही है, क्या बोलो एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सर्किट। अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए बेटा, गैलोनिक में भी आपने ऐसा कुछ सीखा था क्या, गैलोनिक में भी बेटा इलेक्ट्रॉन की फ्लो कहाँ से कहाँ हो रही थी, एनोड से कैथोड हो रही थी ना बेटा, एनोड से कैथोड, तो फ्लो ऑफ करंट कहाँ से हो रहा था कैथोड टू एनोड, उसका एनोड कैसा था नेगेटिव, कैथोड कैसा था पॉजिटिव, इसकी एनोड कैसी है पॉजिटिव, कैथोड कैसी है भाई, वो नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा एनोड टू कैथोड, क्योंकि हमेशा एनोड पे क्या होनी है ऑक्सीडेशन, और हमेशा कैथोड पे क्या होनी है, बेटा ये यूनिवर्सल है, ये चेंज नहीं होगा। हाँ इसकी चार्ज चेंज हो सकती है, यहाँ पर ही आपको पॉजिटिव दिख रहा, गैलोनिक में नेगेटिव दिखेगा, कुछ भी हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा एनोड से कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, कैथोड टू एनोड थ्रू, कोई डाउट है बेटा इसमें। तो ये प्रोसेस में क्या हुआ है, आपने करंट पास करने के बाद ये कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, आपने करंट पास करने के बाद ये कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, मतलब आपने जो करंट पास किया ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आयन में स्टोर हो गई, तो आपने क्या किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट बेटा केमिकल एनर्जी। तो देखो आपने दो चीज़ सीख ली है, पहला एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिवाइस का नाम क्या है गैल्वेनिक, बेटा एक ऐसा डिवाइस है विच विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल, और डिवाइस का नाम है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों की डिफरेंस भी समझ में आ गई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, एनोड पे क्या होनी है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होनी है बेटा ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, ये रिडक्शन हाफ, और दोनों को मिला लो ये आपको नेट रिएक्शन आ गई, कोई डाउट है इसमें। चलो अब यहाँ पर बात आती है बेटा, आपको जो प्रोडक्ट बी मिला है ना बी एनोड पे और ए मिला है कैथोड पे, सर ये प्रोडक्ट बी जो मुझे बी मिला है क्या ये हमेशा मुझे बीच मिलेगा या और कुछ आएगा, तो अब इसके लिए मुझे आपको छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा NaCl, मतलब आपको जो एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट आने वाले हैं ना बेटा, इट डिपेंड्स ऑन दी इलेक्ट्रोलाइट, आपने इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन लिया तो प्रोडक्ट अलग आएंगे, आपने यही इलेक्ट्रोलाइट को एक्वास लिया प्रोडक्ट अलग आएंगे, बेटा यही इलेक्ट्रोलाइट आपने एक्वास डायल्यूट लिया तो प्रोडक्ट अलग आएंगे, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट द इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर का मतलब बेटा क्या ये मोल्टन है क्या ये एक्वास है। अब बच्चा बोलेगा मोल्टन क्या है, मोल्टन क्या है मतलब देखो मैं आपसे पूछूंगा बेटा एक्वास सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब आपने क्या किया बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, पानी में NaCl डाल के मिला लिए और ये नमक का सॉल्यूशन है सर, इट इज़ ए एक्वास सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब मैं आपको बोलूंगा बेटा मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वास मतलब पानी डाल के बना लिए, मोल्टन मतलब भाई सिर्फ बीकर लो उसमें सिर्फ नमक डालो पानी मत डालो, और नमक डाल के सीधा स्टोव पे लगा दो गरम करने के लिए, धीरे धीरे गरम होगा मेल्ट होगा, वो मेल्टेड फॉर्म ऑफ NaCl जो होता है दैट शुड बी कॉल्ड एज ए व्हाट मोल्टन NaCl। दोनों का डिफरेंस समझ में आया, एक्वास मतलब पानी डाल के, मोल्टन मतलब बेटा सीधा गर्म करके, राइट। अच्छा एक्वास डायल्यूट मतलब,
पहले तो NaCl का सॉल्यूशन ले लिए एक्वास पानी में बना के, उसमें और पानी डाल दिए है, मतलब एक्वास डाइल्यूट NaCl का मतलब है एक्सेस ऑफ वाटर, इज इट क्लियर? तो जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होने वाले कैथोड और एनोड पे बेटा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा बेटा ये प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोड पे ऑप्टेन हो रहे हैं इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। आपने जो कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड लिया ना बेटा, इनका भी नेचर रहता, हो सकते दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड आपके एक्टिव हो, एक्टिव मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्राफाइट रॉड नाम सुने होंगे ना, कार्बन रॉड एक्ट एज एनोड मतलब ग्राफाइट रॉड। बट कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करवाते तो हैं बट वो अपने पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड के नाम होते हैं बेटा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, पैलेडियम वाले इलेक्ट्रोड्स, राइट? तो ये कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड और कुछ एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं, वो भी डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड एज वेल एज एट द कैथोड। तो मैं आपको वो फैक्टर ऑन विच द प्रोडक्ट डिपेंड्स वो सारे फैक्टर्स मैं आपको इसके बाद करा दूंगा। तो बेटा ये पूरी प्रोसेस में मैंने आपको क्या सिखाया, व्हाट इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द सेल इन विच व्हाट वी कैन से इट हैज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एनोड कैथोड, एनोड अटैच टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल, कैथोड अटैच टू द नेगेटिव एंड ऑफ द टर्मिनल, एंड बाय पासिंग करंट दिस सॉल्यूशन विल डिकम्पोज इनटू इट्स आयन। सो बेटा करंट पास करने के बाद ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है, उसको बोलते हैं लाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, and these oppositely charged ion get deposited or liberated at the anode and cathode irrespective of the ions present on it. All the negative ion undergoes oxidation at the anode, all the positive ion undergo reduction at the cathode, and depend of that we are getting the products. Is it clear beta? और ये पूरे प्रोसेस में लास्ट कंसर्न यही पूछते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होती है? बोलो एनोड से कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, कैथोड से एनोड थ्रू इंटरनल सर्किट। इज इट क्लियर बेटा? चलो इसे बना लो। इसके बाद देखिए बेटा व्हाट आर द मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट द इलेक्ट्रोड, इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब मैं आपको ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं इलेक्ट्रोड में। पहला वाला फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जहाँ से करंट पास कर सकते, लेकिन नेचर कैसा है बेटा? नेचर का मतलब है क्या वो मोल्डन है, क्या वो एक्वास है, क्या वो ओनली कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट? जैसे कि मैं बोलूँ बेटा मेरे पास NaCl है, सर ये NaCl कैसा है? मोल्डन है। बेटा और एक NaCl है लेकिन वो NaCl कैसा है? एक्वास है। बेटा और एक NaCl है वो कैसा है? दैट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इनके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे एट द इलेक्ट्रोड पे। मैं आपको एग्जांपल भी करा के दूंगा। सेकंड होता है फैक्टर दैट इज ए नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जो आपने यूज किए ना कैथोड एनोड वाले वो। तो बेटा ये इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और एक होता है बेटा दैट इज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड। बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब रिएक्शन करवाता तो है बट वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो व्हाट इज ए एक्टिव इलेक्ट्रोड बेटा? आप बोल सकते हो कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड जो आपने गैल्वेनिक सेल में देखे थे। एट द सेम टाइम ये एक्टिव हो गए, अब ये इवन यू कैन से बेटा मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एंड ऑल। बट यहाँ पे जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं ना वो है पीटी एज ए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब ये इलेक्ट्रोड रेडॉक्स की रिएक्शन करवाता तो है बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रोड बेटा रिएक्शन भी करवाते हैं और खुद भी पार्टिसिपेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा गैल्वेनिक सेल में जब जिंक इलेक्ट्रोड डाले थे तो जिंक इलेक्ट्रोड मेल्ट होना शुरू हुआ था, मेल्ट मतलब उसके आयन सॉल्यूशन में आ रहे थे और उसके नेगेटिव चार्ज जिंक इलेक्ट्रोड पे चढ़ रही थी। और वैसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल का आपको याद होगा वो क्या कर रहा था बेटा, उसके अंदर में कॉपर डिपॉजिट हो रहे थे। मतलब ये सारे इलेक्ट्रोड रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करते हैं बट ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट इज व्हाट एज ए इनर्ट। मतलब डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड आल्सो वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। तो चलो इसको मैं आपको एक एक एग्जाम्पल में करा के देता हूँ, आप ये लिख दो बेटा। बिकॉज मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा कि मोल्टन NaCl की अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ विद द इनर्ट इलेक्ट्रोड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड एंड कैथोड।
अगर मैं एक्वास NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ विद द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एट द एनोड एंड कैथोड, और कॉन्सेंट्रेटेड की भी कराता हूँ ना तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एट द एनोड एंड कैथोड, खास बात बताओ बेटा। ये तीनों की इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप करोगे विद द प्लैटिनम, आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे एनोड पे या तो कैथोड पे। ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल में करा दूंगा, इतना लिख दीजिए बेटा। अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम क्या है बेटा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है और NaCl आपका मोल्टन है। बोले ले लो, यहाँ पर मैंने NaCl लिया और ये NaCl कैसा है बेटा, मोल्टन है, और मैंने इसमें से करंट पास किया। करंट पास करना मतलब बाय पासिंग ए करंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब ये ब्रेकडाउन हो गया अपने दो आयन में, एक Na के प्लस में और एक Cl के माइनस में। आपको इतना समझ में आ गया, मतलब ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, हुआ क्या होगा बेटा, एक बीकर होगा, बीकर में एनोड की प्लेट होगी, कैथोड की प्लेट होगी, राइट। यहाँ से करंट पास कर दिया मैंने और इसके अंदर में मैंने NaCl लिया था, कैसा था, मोल्टन, वो टूट के अपने आप में दो आयन बना लिया, कौन से बेटा, Na प्लस है Cl में। ये सब जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर जरूरत है। हमेशा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बेटा रिएक्शन किसकी लिखो, एनोड पे लिखो। तो जब आप एनोड मतलब आपको मालूम पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास आने वाले आयन कौन से होंगे, नेगेटिव। हाँ बेटा नेगेटिव आएगा, अच्छी बात है। तो नेगेटिव आयन आएगा तो एनोड पे हमेशा आपने क्या सीखा है, ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl बनाएगा एज ए गैस के फॉर्म में, और हम सब जानते हैं बेटा क्लोरीन का गैस Cl2 के फॉर्म में बनता है। Cl2 आने के लिए मुझे दो यहाँ देना पड़ेगा बेटा, दो नेगेटिव हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। अगर ये दो Cl माइनस है तो यहाँ भी दो कर दूँ, यहाँ भी दो कर दूँ, यहाँ भी दो कर दूँ। रिपीट करूँ मैंने क्या किया, सुन लो मैंने क्या किया, पहले आयंस लिखा बेटा, पहले मैंने क्या लिखा, आयंस लिखा। अब हमें मालूम है एनोड इज पॉजिटिव, आने वाला है नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो Cl माइनस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन देके एक Cl एज ए गैस बना लिया। पर हम सब जानते हैं Cl गैस Cl के फॉर्म में नहीं बनता, कैसे बनता, Cl2 के फॉर्म में बनता। अगर ये 2 लेना है तो ऑब्वियसली 2 लेना पड़ेगा, दो नेगेटिव आ गए, दो इलेक्ट्रॉन बाहर। भाई ये दो नेगेटिव है, यहाँ भी दो कर लो, यहाँ भी दो कर लो, यहाँ भी दो कर लो। तो ये पहला प्रोसेस हो गया जहाँ पर क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट द एनोड पे आ गई, अच्छी बात है। सर नाउ द सेकंड पार्ट इज दैट रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड, जो कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पे आने वाला पॉजिटिव आयन है भाई, नेगेटिव पे आने वाला पॉजिटिव है। सर अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है तो कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन का मतलब सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी है। सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो आपका Na प्लस है वो क्या एक है कि दो है, भाई दो है। अब वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा तो ये दो इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले लेगा। हमेशा एक याद रखो बेटा, जितने लूज करेगा उतने ही गेन करेगा। कभी गलती से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा और यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज दिख रही है तो मल्टीप्लाई भी 2 करके दो इलेक्ट्रॉन बना के इसको दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करवा लो, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करवा के ये बन गया सोडियम, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म डिपॉजिट कर गया। है ना बेटा, सॉलिड डिपॉजिट होते हैं, गैस लिबरेट करते हैं। गैस का मतलब ऊपर वाली एरो, सॉलिड मतलब नीचे डाउनवर्ड एरो, प्रेसिपिटेट और इट डिपॉजिटेड एट द कैथोड। बेटा ये पूरी रिएक्शन में ये हाफ सेल हाफ सेल, अगर आपको नेट रिएक्शन लिखनी है तो लिख सकते हो भाई, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन आउट, यहाँ के दो बचे, क्या दो सोडियम आयन, ऊपर में दो क्लोराइड आयन, दो क्लोराइड आयन आपको मिल गई Cl2 की गैस, और आपको मिल गया दो सोडियम एज ए सॉलिड फॉर्म गेट डिपॉजिटेड अंडर द इलेक्ट्रोड। ये देखो आपकी नेट रिएक्शन आ गई है। बेटा ये पूरी प्रोसेस में आपसे ये पूछा जाएगा, इस प्रोसेस में व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द कैथोड। क्या बेटा आप बोलोगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड, क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन एट द एनोड एंड सोडियम मेटल गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ये पूरी प्रोसेस में देख लो, आपको क्लोरीन गैस कहाँ लिबरेट हो रही है, एनोड पे, और सोडियम मेटल कहाँ डिपॉजिट हो रहा है बेटा, एट द कैथोड पे। इज इट क्लियर। अगर मैं ये मोल्टन NaCl के जगह एक्वास कर दूँ ना बेटा, आपको दिखा दूंगा एनोड और कैथोड के दोनों प्रोडक्ट, दोनों या दोनों में से एक तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, और कैसे, आई विल शो यू दैट। पहले इतना लिख दो बेटा, आई विल गो विद द नेक्स्ट वन इज
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा जेनियन सिल्वर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इसके बाद देखेंगे, ये लिख दो आप।